तो क्या ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे सीधे मैं अपनी रचनाओं पे आती हूँ। सबसे पहले एक मुक्तक सुनाती हूँ, मैं ज्यादातर श्रृंगार में ही लिखती हूँ, तो आज भी एक श्रृंगार का मुक्तक आप सबके साथ साझा करती हूँ। और श्रृंगार रस और स्त्रियों का श्रृंगार प्रेम के मामले में बहुत ज्यादा मायने रखता है, तो उसी पर ये मेरा मुक्तक है, सुनिएगा। ये मेरी पायल बिंदिया तो तुम्हें मजबूर कर देगी, ये मेरे दिल से निकली आह तुम्हें मशहूर कर देगी। न सोचो तुम मोहब्बत काम है ये बस बिगारो का, अगर ये तुमको भी हो गई तुम्हें मसरूफ कर देगी, जो इंसान प्यार में डूबा होता है उससे ज्यादा बिजी कोई नहीं होता, उसके पास बहुत काम होता है याद करने के लिए और अपने प्रेम के लिए रिप्लाई करने के लिए भी। जी, आजकल तो हाईटेक जमाना है तो लोग बहुत बिजी होते हैं कॉल करने सही में कह रहे और लेकिन एक और जो प्रेम का पक्ष होता है वो होता है विरह का, इंतजार का। और जब हम उस इंतजार में होते हैं तब हमारी जो मन की भावनाएं होती है वो अलग होती हैं, लेकिन जब जिसको आप चाहते हैं अगर वो आपके साथ होता है तो मौसम या दिन कोई भी हो किसी त्योहार से कम नहीं होता। जी, तो बस उन्हीं सब भावनाओं को लेके ये गीत लिखा है मैंने और उम्मीद करती हूँ सबको पसंद आएगा। गीत का मुखड़ा रखती हूँ आप सबके सामने। दुनिया का ये कण कण देखो तब मन भावन होता है, दुनिया का ये कण कण देखो तब मन भावन होता है। जिस दिन मेरा साजन आए तब मन उत्सव होता है, जिस दिन मेरा साजन आए तब मन उत्सव होता है। दुनिया का ये अब देखिए जब हम प्रेम में होते हैं तो मौसम कोई भी आए लेकिन दिल का मौसम एक ही रहता है। जी, तो सुनिएगा गीत का पहला बंद। यूं तो कितने मौसम आए दिल का मौसम बदल न पाए, यूं तो कितने मौसम आए दिल का मौसम बदल न पाए। हो जाए ये समा बसंती पर दिल से पतझड़ ना जाए, हो जाए बहुत सुंदर समा बसंती पर दिल से पतझड़ ना जाए। एक उसके ही होने से एक उसके ही होने से सिहरा में उपवन होता है। क्या कहने, बहुत सुंदर। मेरा साजन आए मन उत्सव सा होता है, दुनिया का ये। और जब स्त्री प्रेम में होती है तो उस वक्त कहते हैं कि उसके रूप पे अलग ही एक निखार आता है, और पुरुषों पे भी आता है जब वो प्रेम पे होते हैं। लेकिन फिलहाल ये बंद जो है वो स्त्रियों के लिए लिखा हुआ है, उनको समर्पित करती हूँ। उसके होने से मैं दमकूं, उसके होने से मैं चमकूं, उसके होने से मैं दमकूं, उसके होने से मैं चमकूं, उसके बिना सिंगार न सोहे ना ही कोई मंजर मोहे, उसके बिना सिंगार न सोहे ना ही कोई मंजर मोहे, उसकी आंखों में बस मेरा उसकी आंखों में बस मेरा सच्चा दर्पण होता है। जिस दिन मेरा साजन आए तब मन उत्सव होता है। क्या बात, दुनिया का ये। अब गीत का अगला जो बंद है उसमें मैंने बात की है उस सैनिक की जो कि सरहद पे बैठा हुआ है। दिन त्योहार तो उसके लिए भी आते हैं लेकिन कैसे वो उसको मनाता है और क्या उसकी भावनाएं होती हैं, सुनिए। वो जो बैठा दूर सरहद पे मन से घर में आए जाए, वो जो बैठा दूर सरहद पे मन से घर में आए जाए। एक नजर से दुश्मन ताड़े एक से सपन में खो जाए। बहुत सुंदर, दुश्मन ताड़े एक से सपन में खो जाए। मैं तो कहती रोती सबसे मैं तो कहती रोती सबसे पर वो बिरहन होता है। जिस दिन मेरा साजन आए तब मन उत्सव होता है, दुनिया का ये।
अच्छा देखिए गीत का अंतिम बहुत सुंदर जी कि हम लोग सभी ये चाहते हैं कि इश्क की परिणति या प्रेम की परिणति होती है आपके विवाह पे आके और तब स्त्री जो है वो चाहती है वो देखिए चाहिए। कैसी है ये प्यास जो मन में, कैसी है ये आस जो मन में, कैसी है ये प्यास जो मन में, कैसी है ये आस जो मन में, लगे महावर पाँव में मेरे मेहंदी में बस नाम हो सके, लगे महावर पाँव में मेरे मेहंदी में बस नाम हो सके, उसकी एक झलक से बस, उसकी एक झलक से बस ये मन दुल्हन सा होता है, जिस दिन मेरा साजन आए तब मन उत्सव होता है, दुनिया का ये कड़ कड़ देखो तब मन भावन होता है, जिस दिन मेरा साजन आए तब मन उत्सव होता है, जिस दिन मेरा साजन आए तब मन उत्सव होता है।